好了。तो चलिए अभी मैं अपना हंटिंग कॉस्ट्यूम जो है वो अपने बैग में पैक कर लेता हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की व्लॉग में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज हम आपको लेके जाने वाले हैं रियल एडवेंचर पर। जी हाँ, रियल एडवेंचर पर। आज वहां हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। रात को हमने वहां पे रहना है, सुबह उठना है, हमने हंटिंग करनी है, हमने डक हंटिंग करनी है। अच्छा, और अभी मैं आया हूँ अपने कजन अब्दुल्ला को लेने, उसके घर से लेने, क्योंकि अचानक ही प्लान बना था। तो अभी मैं अचानक ही उसके घर आया हूँ और वो अभी गया हुआ है चेंज करने, कपड़े चेंज करके आता है, उसको लेते हैं और फिर चलते हैं। तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हमारा मेन सफर शुरू होगा, जहाँ पर ना ही कोई सिग्नल होंगे और ना ही कोई दूर दूर तक आबादी होगी। गाइस, यहाँ पर हम अभी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आगे गाड़ी पे आने का रास्ता नहीं था तो बाइक पे है। बाइक मैंने चलाई थी, अभी मेरे बाजू में दर्द है, इतनी ज़्यादा मट्टी के बाइक संभाली नहीं जा रही थी। ये है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक यार, बड़े तंग हुए हैं। तंग हुए ना? बाजू में दर्द पड़ गया है और बैग सामान उठाना पड़ गया, गन वगैरह साथ थे, इसी वजह से परेशान हुए। हाँ, काफी मट्टी बहुत ज्यादा। चले आपको जरा सा दिखाते हैं, हम बिल्कुल ही जंगल में आए हैं, बिल्कुल ही वीरान। हम तकरीबन कोई आबादी से 30-35 किलोमीटर दूर है ना, बिल्कुल ही आबादी। ये नहीं कि रोड के करीब है, हम नहीं, हम यहाँ से जो रोड है, रोड भी हमसे 20-25 किलोमीटर दूर है। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी गन का टेस्ट फायर करने लगा हूँ। तो अभी रात के 4:30 का टाइम हो रहा है, हमने सुबह सुबह अजान के टाइम, अभी बस आ जाएंगे वो भाई, नमाज पढ़ेंगे, मैं चेंज करूँगा, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे शिकार पर। मैंने अलार्म लगाया हुआ था जिसकी वजह से मेरी आँख तो सबसे पहले खुल गई। गन अभी उठा लिया, मैं रेडी हो चुका हूँ, टाइम हो चुका है, तो अभी हम चलते हैं। तो अभी हम शिकार गाह पे जा रहे हैं, जहाँ पर हमने जाकर डक का शिकार खेलना है। तो चले दिखाते हैं। फजान ब्रार, आपने निशाना चौंकाना नहीं है, आराम से आराम से आराम से। शिकार हमारा आ रहा है जो हमने अभी मारा था। तो चलें, डक का जो हमारा शिकार था वो यहाँ पे हो गया कंप्लीट और अब हम आगे जा रहे हैं तीतर का शिकार के लिए। चलें देखते हैं। मुश्किल तो हो रही होगी आप इतना, लेकिन एडवेंचरस है ना, मर्दों वाले शौक पालो, मर्दों वाले काम करो, ये इन चीजों के साथ खेलो, इन चीजों के साथ, लोगों के दिलों के साथ नहीं। अच्छा, हमको शिकार ही आए। मौसम गर्म हो गया, गर्मी हो गया भाई जान। पहले तो मैंने कहा था मौसम यहाँ पर ठंडा होगा, तो हो जाएंगे। अभी तो अक्टूबर का लास्ट है, लेकिन अभी फिर भी ठंडक नहीं आई। और हम हैं भी कितना दूर, दरिया के हम करीब हैं और सिटी से हम कितना दूर हैं, फिर भी यहाँ पर भी हमें गर्मी हो गई है। चल चल के तकरीबन मैं कोई 200-300 किलोमीटर चल चुका हूँ और जो थे डक तो लग चुकी है हमारी 4-5, लेकिन जो परिंदे थे वो सिर्फ अभी तक एक ही लगा हमारा जो, लेकिन इंशाल्लाह आगे जरूर। कोई नहीं, अभी मुझे जो उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोई अभी चिड़िया वगैरह भी नजर आई ना, मैं उसको भी मार दूँ जितना मैं चल चुका। ये ना वो प्रोग्राम बढ़ जाए, प्रोग्राम नहीं बढ़ता, प्रोग्राम हमारा बन गया, जब डक्स लगे तो प्रोग्राम हमारा बना हुआ। मुझे बस अफसोस एक बात का है कि जब मैंने डक्स को मारा आपने मेरी वीडियो नहीं बनाई थी, मैं उस साइड पे था ना। कोई नहीं, अभी परिंदे जब मारूंगा तब बना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। व्यूअर्स को भी तो दिखाना। हाँ फैजान भाई, अब थक गए भाई जान,
पहले 200-300 किलोमीटर था, अभी घंटा हो गया मुझे दोबारा चलते हुए, तो 1000 किलोमीटर तो मैंने कर लिया है। अभी मैं बस ये बुहरा अरब जो हमारा वो खत्म होने वाला है, नहीं उसको मैंने अभी क्रॉस करना है, वो बस हाफ हो चुका है। अभी मैं जरा ये आप देख सकते हैं मैं आइलैंड पे आके बैठा हूँ। आपने ये नहीं समझना कि मैं यहीं पर कहीं पर बैठा हूँ किसी देहात वगैरह में किसी दरिया करीब, नहीं मैं इधर इस टाइम आइलैंड पर बैठा हूँ और तकरीबन 1000-1200 किलोमीटर मैंने चल लिया है। अभी 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अभी साउथ अफ्रीका पहुंच जाऊंगा। अबे साले आइलैंड पर सिर्फ 2 बंदे आए अभी तक, एक अब्दुल्ला और एक फैजान। हाँ बाकी जो थे परिंदे तो हमसे मरे नहीं है लेकिन बंदे मार दिए हैं। आज हम चलें तो चलें अभी वापस। बंदे भी आए हैं आइलैंड पे, बता अभी हम कहाँ पर। अभी हम सारे डेजर्ट में पहुंच चुके हैं, अमेजोन फॉरेस्ट बस थोड़ा सा ही नजदीक है, अभी हम वहां जाएंगे, ये सारा डेजर्ट को हम क्रॉस। निकल झूठे। और देखें बियर ग्रिल्स भी एक साथ दो जगहों पर नहीं जा सकता, उसकी पूरी टीम होती है ना, पूरी टीम होती है। ये हम यहाँ पर दो अकेले, एक हमारा साथी, ये हम जा रहे हैं, देखें शिकार भी कर रहे हैं, सारा डेजर्ट क्रॉस करते हैं, आगे देखें हम क्रॉस करने लगे। अभी देखें सारा डेजर्ट का ये एक ये माउंट एवरेस्ट जितना पहाड़ है जो कि अभी वर्ल्ड मैप में इन्होंने नहीं डाला क्योंकि जलते हैं, क्योंकि मैं क्रॉस जल्दी कर लेता हूं ना। देखें आपने सड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। तो अभी सारा डेजर्ट को क्रॉस करके अभी हम अमेजोन फॉरेस्ट में घुसने लगे हैं, ढलवान की तरफ निकलते हुए। अमेजोन फॉरेस्ट कौन सी, इस साइड से आए थे ना, इस साइड पे। तो इस साइड पर हम अभी भूल गए थे, तो चलें अभी हमारे अमेजोन फॉरेस्ट शुरू होने वाला है तो आपको दिखा। ये फैजान कोशिश कर रहे हैं कि मैं उतारूँ। किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप उससे? अबे तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। साले तू माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो गर्मी से आप कोशिश तो करें, कोशिश तो करें। शर्ट उतार दे और ये उतारो। ए बोला वो गिरा 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 गिरा। भाग 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 भाग। रेडी है जी, अनलॉक करें इसको, चलें फायर करें। हाँ अब्दुल्ला भाई कैसा फील हो रहा है आपको चला के फर्स्ट टाइम? गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो बेस्ट फीलिंग आ रही है, जबरदस्त। आप भी चलाने की ट्राई करें, मर्दों वाले शौक पहले। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन माशाल्लाह जबरदस्त हुआ, बहुत अच्छा रहा ना, इंशाल्लाह अभी तो हम आते रहेंगे ना। चलें तो अभी हमारा एडवेंचर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, देख रहा था ये हमारे मेरे पीछे अब डायरेक्टर देख रहे हैं डायरेक्टर, तो अभी मैं ये चलाने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, वैसे मुझे इसका तरीका तो नहीं आता, आई थिंक होता तो गाड़ी की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उससे। तो अभी भाई आ रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा इसका बताएंगे, फिर मैं चलाता हूँ, ट्रैक्टर चला के दे रहे हैं मुझे फैजान, ट्रैक्टर पे ड्राइव कर। ये एडवेंचर का लास्ट पार्ट था, हमने कहा आपको ये भी दिखा दे साथ के साथ। कैसा जा रहा एक्सपीरियंस? जस्से जस्से विलेज लाइफ की जस्से। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एडवेंचरस और बहुत ही मज़े का एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैक्टर चलाया और मैंने बहुत ही अच्छा चलाया, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा चला। ओके गाइस तो अभी मैं वापस घर पहुंच चुका हूं, आते ही पहले मैं थोड़ा सा फ्रेश हुआ क्योंकि कान काफ़ी हो रही थी, नहाया हूं, कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं और सारी रात में नहीं सोया था और दिन को कोई तकरीबन 8-10 किलोमीटर तो हम चले हैं गन्स लेके शिकार के लिए, और एडवेंचर जो था वो बहुत ही अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और शिकार भी हमारा अच्छा हो गया। तो अभी काफ़ी थक चुका हूँ, वैसे रात को मैं सोया नहीं था क्योंकि मुझे नींद नहीं आई थी वहाँ पर, तो अभी मैंने चेंज कर लिया, अभी मैं चला हूँ सोने, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।